हम अपनी पार्टी को ही वोट देंगे, किसी और को वोट नहीं देंगे। हमें सिर्फ बीजेपी का डर दिखाएगा, वोट ली गई आज तक सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका मारा थोड़ा। ये कहा जा रहा है कि वोट कट जाएगा। अजी कटो जियो, बीजेपी को हराने का ठेका मारा थोड़ा ही ना है सबका है, सबका डर लग दो। हम डरते ही नहीं बीजेपी से, हम सिर्फ अल्लाह से डर रहे हैं। न्याय है, सभी के लिए बात करते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं। हम पहले अखिलेश के साथ थे, अब अखिलेश को बायकॉट करते हैं। हम सब के लिए खून और अपना जान माल देंगे इंशाल्लाह। क्यों भाई? गुलशन यादव मेरी बात सुनो, एक मुस्लिमों में एक तो कम पढ़े लिखे होते हैं और एक डीएसपी है कहता जियाउल हक, उसे किसने मारा? गुलशन यादव ने। और गुलशन यादव कहाँ है? उसे अखिलेश ने टिकट दिया, देख लो। ऐसे ऐसे दल्ले को टिकट देगा तो हम गुलशन के साथ कूद जावे? ये बताओ, कूद जावे उनके साथ हम? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। छपरौली विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आने वाले हैं, तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेज बिल्कुल तैयार है और कुछ ही देर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आने वाले हैं। लोगों में एक अलग ही उत्साह है क्योंकि ओवैसी के हमले के बाद ये पहली जनसभा है जिसको ओवैसी संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे ओवैसी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करना बेहद जरूरी है। लोगों के मन में क्या है और क्यों आज जो है ओवैसी को सुनने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में, भारी तैदाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जी कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, अजय सारा से हम। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ बढ़िया है अजय, एम के समर्थक बहुत है यहाँ। अच्छा। और हमारा मेन एजेंडा ये है, जैसे कि इसराइल के अंदर यहूदी देश है पूरा, लेकिन वहाँ भी मुसलमानों की अपनी पार्टी है, राम पार्टी। ऐसे हिंदुस्तान सेकुलर देश है, यहाँ भी मुसलमानों की अपनी पार्टी होनी चाहिए भाई। सरकार में हमारा भी एक पाया होना चाहिए मजबूत। हमें मुख्यमंत्री बनाने के चुकनी है, लेकिन सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी में तमाम मुस्लिम नेता हैं, वो आपकी पार्टी नहीं है? अजय सब बेकार लोग हैं। आज तक हमें बीजेपी से डरा डरा के वोट ली गई और अब हम अपनी पार्टी को ही वोट देंगे, किसी और को देने के नहीं। हम अपनी पार्टी को ही वोट देंगे, किसी और को वोट नहीं देंगे। हमें सिर्फ बीजेपी का डर दिखाएगा, वोट ली गई आज तक सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेका मारा थोड़ा। ये कहा जा रहा है कि वोट कट जाएगा? अजी कटो जियो, बीजेपी को हराने का ठेका मारा थोड़ा ही ना है सबका है, सबका डर लग दो। हम डरते ही नहीं बीजेपी से, हम सिर्फ अल्लाह से डर रहे हैं। जी ओवैसी साहब, जीते हैं आपकी बार? वोट काटोगे इस बार? नहीं, वोट नहीं कटेगी। वोट कैसे कटेगी? लोग कहते हैं ओवैसी साहब वोट काट। पीछे पीछे आप लोग, पीछे पीछे रहो थोड़ा, सबसे बात करूंगा, सबसे सबसे तो भारी उत्साह है, सबसे सबसे बात करूंगा। एक मिनट, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, अगर शोर करोगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। सबसे बात करूंगा लेकिन शोर नहीं, ना कंट्रोल करते रहो, शोर नहीं। एक उत्साह है, देखिए नारेबाजी हो रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। मैं बागपत जिले से आया जी, सागरोद गांव से। क्यों सुनना है ओवैसी? सुनने आए हैं, सभी के लिए बात करते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं। हम पहले अखिलेश के साथ थे, अब अखिलेश को बायकॉट करते हैं। हम ओवैसी साहब के लिए खून और अपना जान माल देंगे इंशाल्लाह। क्यों बायकॉट किया, वजह क्या है? बायकॉट इसलिए किया कि 2013 का दंगा हम तक नहीं भूले। हमारे माँ बहनों को वहाँ से कत्लेआम किया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई प्रशासन नहीं लगाया वहाँ पे। हम इसलिए अखिलेश यादव को बायकॉट करते हैं। हम ओवैसी साहब के साथ थे और है इंशाल्लाह। दंगे में कहाँ फंसे हुए हो आप? विकास पर वोट दीजिए, जो अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं। वोट देगा, विकसित होगा। अब क्या होगा, विकसित होगा। अमित शाह भी दंगे गिनवा रहे और आप भी दंगे गिनवा रहे? नहीं, अब विकास होगा। हमारे बेस्टार हैदराबाद से चल के आए हैं, विकास के लिए तो आए हैं, भाईचारे के लिए आए हैं। हाँ जी, भाईचारा बनेगा, इंसाफ बन के रहेगा। अब बात कोई भी उल्टी सीधी हो। हाँ जी, देखिए जो तमाम पार्टी ये कहती है कि ओवैसी साहब वोट काटते हैं, मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूँ वो क्या करते हैं, वो पार्टी भी तो वोट काट रही है। मायावती की पार्टी वोट काट रही है, बसपा पार्टी वोट काट रही है, अनेक दल वोट काट रहे हैं। यहाँ से इंशाल्लाह ओवैसी साहब जीत के जाएंगे। ओवैसी साहब, हम नीरपुटा से आया, छपरौली विधानसभा सीट से। मैं अमित मेंबर
दिलो जान से बैरिस्टर साहब के साथ हूँ, आपसे नहीं 2017 से मैं बैरिस्टर साहब के साथ हूँ। पहले हमने औरों की दरी बिछाई है, लेकिन अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज फसलों की और नस्लों की लड़ाई है। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यहाँ पर पूरा माहौल पतंग का है, ओवैसी साहब का चल रहा है और इंशाल्लाह जीत हासिल होगी अल्लाह चाहे तो। और ओवैसी साहब एक शेर है, हैदराबाद से आ रहे हैं, मुसलमानों को शेर बनाना आ रहे हैं अभी। शेर तो एक ही काफ़ी होता है जंगल में, और बाकी तो गिद्दड़ है, और ये बाकी गिद्दड़ है, शेर है। अभी अंगड़ाई ली है, आगे और लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई करेंगे इंशाल्लाह। शेर बनाने आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास होगा इंशाल्लाह, इंसाफ की लड़ाई होगी। मेरे देश में कह जाता है, मेरे देश के जो वीर जवान थे वे कहते थे, नारे देते थे, आपस में लड़ बैठे देश को कौन संभालेगा। और आज के वक्त में ये नेता, ये भाजपा के लोग, ये दंगा करा रहे हैं, भाजपा के लोग दंगा करा रहे, झगड़ा करा रहे, आपस में बांट रहे, अब देश को कौन संभालेगा? अब हमारे आशुतोष दिन अवश्य आया, अब देश को संभालेंगे। अजी 1937 से हमारे यहाँ पे 1937 से हमारे यहाँ आरएलडी का विधायक है। न तो इस गाँव में बैंक है, न यहाँ पे अस्पताल है, कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, पुल भी नहीं है यहाँ दो गांव को जोड़ने के लिए। और जो आज तक इस आरएलडी को वोट देता है गांव, इसे आज तक कुछ नहीं मिला इस गांव को। 100 साल से भी आरएलडी को देगा फायदा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर असली बी टीम जो है बीएसपी है, कांग्रेस है असली बी टीम। असदुद्दीन ओवैसी तो जो है अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह हिस्सेदारी मिलेगी उसको। कह रहे हैं कि ये 10 मार्च के बाद दिखाई नहीं देंगे, वोट काटना है, निकल जाएंगे। अजी दिखान सब दिखाई देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह योगी जी की ही एकड़ी निकल जाएगी अब की बार। गर्मी बहुत है, 10 मार्च के बाद ठंडी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है गर्मी में, ठंडी तो बहुत अच्छी बात है। गर्मी में बहुत अच्छा, नाई दशन के लिए कहा इंशाल्लाह, नाई दशन भी जीता कर देखना आप, नाई दशन के लिए वो भी जीता गए, वो मुस्लिमों को टारगेट करके किया गया, लेकिन इंशाल्लाह सबसे ठंडी जीत होगी उसकी भी। और यहाँ भी वोट नहीं कटेगा, वोट नहीं कटेगा जब तक मुसलमानों की, सुनो मुसलमानों के पैरों में जाने गुलामी की जंजीर जकड़ी हुई है यहाँ पे आरएलडी के द्वारा। इंशाल्लाह की बार हट जाएगी, और फिर जो है ना आरएलडी जो है कदम जो है हमारे कदम पकड़ेगा आगे, जो हमारे साथ आता है, और इंशाल्लाह जो है गुलामी की जंजीरें टूट जाएगी। बीजेपी को हराने का ठेका हमने ले रखा होगा। मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनील यादव जो है बीजेपी में, वो समाजवादी पार्टी में है, और उसने क्या बोला था, अखिलेश दल लेना उसे अपनी गोदे बिठा रखा उसने, है सुधीर सुनील यादव, हाँ सिंह होगा, यादव है वो। तो उसने ये बोला था कि मुसलमान की लड़कियों को कब्र में से निकालो और उनका रेप करो, और वही सुनील दल्ला देख लो किसकी पार्टी में, अखिलेश ने अपनी गोद में बिठा रखा उसे। सुनो 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 गुलशन यादव, मेरी बात सुनो, एक मुस्लिमों में एक तो कम पढ़े लिखे होते हैं, और एक डीएसपी है था जियाउल हक, उसे किसने मारा, गुलशन यादव ने। अब गुलशन यादव कहाँ है, उसे अखिलेश ने टिकट दिया, देख लो ऐसे ऐसे दल्ले को टिकट देगा तो हम गुलशन के साथ कौन जावे, ये बताओ कौन जावे साथ हम शाहीन बाग में। मेरी बात सुनो, अच्छा एक मिनट रुको, मेरी बात सुन लो, शाहीन बाग में रुको 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 अभी बात करेंगे भाई साहब। देखो शोर मचाना है तो वैसे ही मचा लोगे, अब बात कर रहे हैं तो कम से कम सुन लो, बात कहो अपनी, सुन लो कम से बात सुन लो क्या कहना चाह रहे हैं। शाहीन बाग में हमारी माओ बहनों पे वो शादाब एक मर्द मुजाहिद था शेर, उसके हाथ में गोली लगी थी, किसने मारी थी, कपिल गुज्जर ने, और वही कपिल गुज्जर दल्ला अतुल प्रधान के साथ फिर रहा सरधाना सीट पे, अखिलेश की वोट मांग रहा, और ऐसे दल्लों को हम वोट क्यों दे जो हमारे खिलाफ है, क्यों दे ऐसे दल्लों को बता क्यों दे जो हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा। मुजफ्फरनगर में किसने दंगा करवाया था, अखिलेश ने, और वो टोपी लाल जो हरी नहीं है वो अखिलेश ने हमारे खून से लाल कर रखी, और ऐसे को क्यों दे हम वोट जिसने, और अखिलेश यादव क्या कह रहा कि पचपच की बात मत करो, अभी आने वाले की बात करो। ये है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के मुद्दे सिर्फ ये होंगे जो जो मुद्दे बीजेपी गिनवाना चाह रही है? मेरी बात सुनो, विकास का मेरी बात सुनो, महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी के दो विधायक हैं, मेरी बात सुनो, दो विधायक हैं, और वहाँ से जाकर देखो काम कितना अच्छा है, मुस्लिम इंटर कॉलेज बन गया फ्री,
किसी का भी बच्चा हो, किसी भी धर्म जाति का किसी का बच्चा हो, 13,000 बच्चे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने खर्चे से पढ़ रहा, कोई अपनी जेब से, ऐसे लोग को हम वोट देंगे। ये विधायक जो है हमारे यहाँ पहले भी